उषा शेषी में खड़ा हूँ। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ। मैं हूँ प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सामने कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं एक किशोरी छात्रा बालिका एक लेटी हुई है और बॉटल चढ़ रही है। उनके तीमारदार परिजन घर के बैठे हैं। मामला जो आ रहा है, बताते चलें कि खाना बनाते वक्त दाल का कुकर पलट जाने से गंभीर रूप से झुलस गई है। उसी संबंध में रउसा शेषी आनंद फार्म में परिजनों के द्वारा लाया गया है, भर्ती कराया गया है। हम बात करते हैं, रूबरू कराते हैं। मामला थाना रउसा क्षेत्र के गांव ग्राम करसा का है, लेकिन पूरी बात करते हैं उस किशोरी से और उसके पिता से। क्या नाम है आपका? रामेंद्र गिरी। घर कहाँ है? करसा। ये आपकी कौन है? लड़की। ये आपकी लड़की है। क्या हुआ था? खाना बनाने वक्त में जो है कुकर पलट गया और जल गई। कहाँ से लाए हो? अपने साधन से लाए हो? अपने साधन से लाए। अच्छा, इलाज बढ़िया मिल रहा है? इलाज कोई बढ़िया यहाँ नहीं है। यहाँ पर तो डॉक्टर जो हमारे बहुत गर्म हो गए ले जाओ, आज को छुट्टी का दिन और भगा दिए। तो इमरजेंसी में छुट्टी थोड़ा देखी जाती है? और रेफर कर दिए। एक नज़र दिखाते हैं यहाँ पर, हम जो जली है बालिका की, रिफर की बात आ रही है, रिफर करने योग्य है कि नहीं है? ये पैर में जली, हाथ में जली है, पंजे से यहाँ पर जली है। क्या बोला? यहाँ के जो है डॉक्टर नहीं है, वो बिल्कुल वो गवर्नर हो रहे हैं। अच्छा, कोई कुछ बात हुई क्या? अरे वो हमारे ऊपर बिगड़ गए, उखड़ गए कि ले जाओ, हमने इलाज नहीं करेंगे, जहाँ इच्छा। तो कोई बात आपने ऐसी बोल दी होगी? कोई बात नहीं, वो यही बोला कि जो है मतलब आप हमारे पास पैसे नहीं तो आप इलाज। ठीक, ये बोतल वगैरह कोई दावा बाहर से नहीं? सब हमने बाहर से लाए थे, कोई सुविधा नहीं मिली। ये बोतल जो चढ़ रही है ये कितने रुपए की लाई है? अब ये तो हमने तो बाहर से हमने जो है 500 रुपए की दवा लेके आए हैं, 500 नहीं मालूम है। अच्छा, बोतल कितने की है? हमने 500 रुपए के जो बाहर से दवाई लेके। किस मेडिकल से लाए हैं? किसके मेडिकल से? बालाजी मेडिकल से लाके आए हैं। अब देख रहे हैं, बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या उम्र होगी? 15 साल। 15 वर्ष। कैसे जल गई आप? खाना बना रही थी तो कुकर। क्या बना रही थी? दाल। फिर कैसे जल गई? वो ढक्कन खोला बस दाल बनने लगी। अच्छा, ढक्कन खोला कि दाल उलट गई। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से सरकार कटबद्ध है कि दवाई एक बाहर से न लिखी जाए, सारी बातें हैं। और यहाँ पर दवाई पीड़ित के मुताबिक बाहर से लिखी गई, जो देख रहे हैं 500 रुपये की मेडिकल। तो फिर कैसे देखा? ये तो आप झूठ कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, अगर देखा नहीं तो ऐसे इलाज। मामला करसा गाँव का है, पूरी बात करते हैं कि जब यहाँ पर इलाज आपका डॉक्टर ने वो किया तो इलाज फिर कैसे हुआ आपका? इलाज फिर किसने शुरू किया? डॉक्टर ने तो आपको रेफर कर दिया। रेफर कर दिया, उसमें जो उनके जो अस्पताल में जो और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वो बोतल लगाया, उन्होंने एक मानवीय चेहरा दिखाया, उन्होंने अपना जो है इशारे के लाते उन्होंने अपना। अच्छा अच्छा, उनके नाम जानते हैं आप? नाम मेरे को नहीं मालूम। वो यहाँ क्या कर वो? अच्छा, यहाँ पे तैनात कर्मचारी जो फार्मासिस्ट के और हैं, उन लोगों ने मानवता दिखाई इस किशोरी के प्रति, तो इनके परिजनों के प्रति, और उन्होंने इसका इलाज जारी किया। लेकिन जो आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखें, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर से। ये डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, जो कि हमेशा अनवरत मरीजों के प्रति और अपने अस्पताल के प्रति और ड्यूटी के प्रति हमेशा साजिंदा देखे जाते हैं, दिन हो या रात, और हमेशा मरीजों के साथ और उनका बेहतर समय देकर इलाज करते हैं। बात आ रही डॉक्टर साहब, मामला थाना रउसा क्षेत्र के ग्राम करसा गांव का है, जहां पर एक किशोरी ज्योति नाम की है, पुत्री रामेंद्र, उसको लाया गया अपने साधन से। कहीं खाना बनाते वक्त दाल का कुकर पलट गया, उसके हालात कैसे हैं? नहीं, उसके हालात सामान्य हैं, ठीक हैं, और उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है, करीब 14% बर्न है, तो उसको प्राथमिक उपचार करके उसको हायर सेंटर पर हम रेफर करेंगे ताकि आगे की ट्रीटमेंट चल सके। कोई रेफर करने की वैसी कोई हालत में नहीं, लेकिन लेकिन उसको मतलब पैर है, थोड़ा पंजों में दिक्कत है। अच्छा, तो यहाँ ठीक होने लायक नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ये कहना। अच्छा, कुछ दवाएं इमरजेंसी रेफरेंस नहीं है जी, वो चाहे तो ओपीडी में कर जाए। अच्छा अच्छा, कुछ दवाएं क्या बाहर से भी लिखी गई हैं क्या? अच्छा अच्छा, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने दिए हैं, जो यहाँ नहीं थी वो आपने लिखी होगी? नहीं, अभी तो फिलहाल जो जो भी इलाज चल रहा है हमारे तरफ से, अभी बाकी हमने अभी
अच्छा वो एक चीज और बोल रहा था कि ये दवाएं बाहर से, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, सारी दवाएं यहाँ से मिलती हैं। अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप उपस्थित हुए। पेशेंट ने आरोप लगाया कि मतलब दवाई बाहर से लगी, लेकिन ये जो बोतल टंगी है इसमें लिखा नॉट फार्चल और रेवसा अस्पताल की उपस्थित दवाई है। एक बोतल बाहर से लिखी गई है जिस जो खरीदी गई है उस पर नॉट फार्चल नहीं लिखी। ये दवाएं बाहर से लिखी गई हैं जो उपलब्ध नहीं थी, यहाँ पे जो जानकारी में आया ये दवाएं यहाँ अस्पताल से दी गई, जबकि मरीज ने आरोप लगाया कि कोई भी दवाई बाहर से लिखी गई है, अंदर से नहीं दी गई। लेकिन ये प्रमाण है वो अंदर से उपलब्ध हुई और जो बाहर नहीं थी वो बाहर से लिखी गई जान बचाने के लिए। अस्पताल लेके आए बहुत होशियार किया आपने।